Hello, guys, welcome back to my channel UGC Net Prep. So, today I will be discussing a topic from paper to economics. So, this video is only for economics students. I will be selecting, I will be solving some questions from Dominic Salvador, that is a very famous book of international economics. You all know this name, Dominic Salvador. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस चूज किए हैं जिसके मैं यहाँ पर आंसर्स आप सभी को देना चाहती हूँ सॉल्व करूँगी आपके ही सामने इस बोर्ड में तो लेट्स स्टार्ट सो द फर्स्ट क्वेश्चन शो दैट ए कंट्रीज़ करेंट अकाउंट बैलेंस इक्वल्स द चेंज इन इट्स नेट फॉरेन वेल्थ ये दिखाइए कि एक कंट्री का जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो किसके समान है that equals the change in its net foreign wealth so sabse pehle, what is the current account of a country current account of a country is the difference between the exports and imports isn't that let me write ca ca okay CA current account of any country is equal to the difference between the export and import. We all know that. Now, if my export is greater than M, if my export is greater than import to Kyahuga, the current account will be. इन सरप्लस क्योंकि अगर एक कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है तो वही तो अच्छा है करेंट अकाउंट तब सरप्लस में चलेगा और अगर उल्टा है एक्स लेस देन एम है देन करेंट अकाउंट विल बी इन डेफिसिट एंड इफ एक्स इज इक्वल टू एम देन इट विल बी बैलेंस्ड फॉरेन ट्रेड इज़ इट क्लियर गाइस तो ये तो पहले हमने जाना कि करेंट अकाउंट कहते किसे हैं और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का क्या रिलेशनशिप है एक्सपोर्ट अगर इम्पोर्ट से ज़्यादा होता है तो करेंट अकाउंट में सरप्लस होता है लेस होता है इम्पोर्ट से तो करेंट अकाउंट डिफिसिट में चला जाता है और अगर ये दोनों ही सेम है तो ये बैलेंस्ड हो गया ओके okay? नाओ आई हैव राब डेट ओके आई हैव राब डेट सो हमने देखा करेंट अकाउंट किसे कहते हैं अगर नाव द करेंट अकाउंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करेंट अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि कंट्री बोरो करेगी ओके okay? बोरो करेगी या नहीं ये कितना बोरो करेगी वो हमें पता चलता है करेंट अकाउंट को देखते हुए सो वी नो सी ए इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा एक्सपोर्ट ग्रेटर देन एम है पहले का ही मैंने लिखा एक्सपोर्ट अगर इम्पोर्ट से ज़्यादा है तो करेंट अकाउंट सरप्लस में चल रहा है तो क्या होगा क्या होगा बताइए तो इसका मतलब यही हुआ कि उसका करेंट अकाउंट तो सरप्लस में है पर बाकी के कंट्रीज़ का करेंट अकाउंट डिफिसिट में है तो वो अभी क्या हुई वो अभी तो अमीर है तो वो अभी लेंड करेगी इट विल लैंडिंग टू द अदर नेशंस राइट एंड इफ एक्स इज लेस देन एम फिर वो कितना बोरो करेगी वो बोरो करेगी फिर उधार लेगी कितना उधार करेगी जितना उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से कितना कम है उतना ही वो बोरो करेगी दूसरे नेशन से क्यों कर रही है ये बोरो ताकि उसका एक्स इक्वल टू एम हो जाए क्यों कर रही है यहाँ पर लेंथ ताकि उसका एक्स इक्वल टू एम हो जाए सो इन दिस वे इन दिस वे वी कैन से दैट ए कंट्रीज कंट्रीज करेंट अकाउंट बैलेंस इक्वल्स द चेंज इन इट्स नेट फॉरेन वेल्थ तो कंट्री का करेंट अकाउंट बैलेंस हमें क्या बताता है चेंज इन इट्स नेट फॉरेन वेल्थ बताता है नेट फॉरेन वेल्थ मतलब ये चेंज जो है वही हमें कौन दिखलाता है करेंट अकाउंट ही बोलता है मतलब सी इक्वल टू एक्स माइनस एम यही बस इस आंसर का मेन उत्तर यही है कि करंट अकाउंट इक्वल्स द चेंज इन इट्स नेट फॉरेन नेट फॉरेन वेल्थ मतलब एक्स माइनस एम सो बस हमारा क्वेश्चन वन सॉल्व हो गया आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन

वो कैपिटल स्टॉक बिल्ड करके वो अपना सेव कर सकता है और बाय एक्वायरिंग द फॉरेन ट्रेड देखिए आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हैं क्यों ये तो नहीं लगेगा यूजीसी नेट में पर आप गलत हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से हमारा बेस स्ट्रांग होता है और अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो हम जब यूजीसी नेट कुछ भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन देती है तब वो हम नहीं कर पाते हैं तो इसलिए हमें चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप हम ये सारा कुछ समझें तो ओपन इकोनॉमी से पहले हम देखते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है तो पहले लेट मी से समथिंग जी एन पी आइडेंटिटी जी एन पी आइडेंटिटी हमको पता है हैज मेनी इल्यूमिनेटिंग इम्प्लीशंस टू एक्सप्लेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ़ दोज इम्प्लीकेशन वी डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सेविंग दैट इज़ दोर्शन ऑफ़ आउटपुट तो हम ऐसे क्लोज्ड इकोनॉमी में हम सेविंग क्या करते हैं यहाँ पर पूछा है कि एन ओपन इकोनॉमी कैन सेव ओपन इकोनॉमी कितना सेव करते हैं उससे पहले हम ये देखते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है in case of closed economy what is the saving amount that is y minus c isn't it correct or not isn't it tell everybody saving saving equal to y minus c so saving is that portion of the output y that portion of the output y that is not devoted to household consumption दैट इज़ इज इक्वल टू वाई माइनस सी और गवर्नमेंट परचेज हाँ वाई का उस पोर्शन को हम सेविंग कहते हैं जो कंजम्पशन में नहीं गया है और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में भी नहीं गया है उसको हम सेविंग्स कहते हैं ओके okay? सो so, हम यहाँ से ये वाला आइडेंटिटी हमें मिलता है सो इन द क्लोज इकोनॉमी हम क्या लिख सकते हैं कि वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सी प्लस आई प्लस जी हम ये लिख सकते हैं हाँ कि नहीं देन सो नाउ इफ आई पुट दिस वाई वाईज वैल्यू इन दिस इक्वेशन सो व्हाट विल आई गेट इसवल टू वाई की जगह हम क्या लिखेंगे सी प्लस आई प्लस जी सी प्लस आई प्लस जी फिर क्या है माइनस सी माइनस जी माइनस सी माइनस जी तो हम ये ये काट सकते हैं ये ये काट सकते हैं तो हमें क्या मिला S इक्वल टू आई ये वाला हमें चीज़ मिला तो हम ये देख रहे हैं कि इन केस ऑफ दिस क्लोज इकोनॉमी केस सेविंग हम बस आई से ही कर सकते हैं सेविंग कैन ओनली बी डन बाय एक्वायरिंग द कैपिटल स्टॉक कैपिटल स्टॉक एक्वायर करने से उसी को तो हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो क्लोज इकोनॉमी का तो ये केस है अब हम देखेंगे कि ओपन इकोनॉमी में एक कंट्री सेव कैसे करता है नाउ इन केस ऑफ ओपन इकोनॉमी इकोनॉमी में हमारे इक्वेशन तो Y इक्वेल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हो जाता है ये हमारा नेट एक्सपोर्ट है तो अब हम क्या करेंगे टेल मी इस इक्वेशन से हमें ये तो पता चलता है कि दिस वन इज सी ए अकाउंट क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में मैंने पहली पहला जो इक्वेशन लिखा था वो यही था कि सी ए इक्वल टू एक्स माइनस एम तो अब हम इसको ऐसे रब करके इसके जगह में हम सी ए लिख सकते हैं है कि नहीं बोलिए बोलिए हम मुझे जल्दी से बोलिए ओके सो नाउ आई कैन डू सम साइन चेंज एंड से उधर में ले जा सकती हूँ ऐसा लिख सकती हूँ कि नहीं कि वाई माइनस सी प्लस आई प्लस बोलिए लिख सकती हूं कि नहीं मैंने ये तीनों चीजें मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया और ए करेंट अकाउंट को मैंने राइट right साइड में लिखा तो अब मैं ब्रैकेट को उठा देती हूँ वाई माइनस सी माइनस आई माइनस जी इक्वल टू सी ए तो वाई माइनस सी माइनस जी हमारा क्या होता है तो ये हमारा एस निकल के आता है वाई से हम कंजम्पशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर माइनस कर देते तो हमारा सेविंग निकल के आ जाता है और माइनस आई रहता है यहाँ पर दैट इज़ इक्वल टू माई करेंट अकाउंट तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि एस इक्वल टू आई प्लस सी ए तो ये मेरा निकल के आता है ओपन इकोनॉमी में सेविंग्स तो ओपन इकोनॉमी में एक कंट्री सेव कैसे कर सकता है क्लोज इकोनॉमी में हमने देखा कि एस इक्वल टू आई है दिस इज फॉर क्लोज्ड इकोनॉमी एंड फॉर ओपन इकोनॉमी S इक्वल टू आई प्लस सी ए तो दिस इक्वेशन हाईलाइट्स एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द ओपन एंड द क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी कैन सेव आई द बाई बिल्डिंग अप इथ्स कैपिटल स्टॉक बिल्ड करके भी सेव कर सकता है और बाई एक्वायरिंग द फॉरन वेल्थ फॉरन वेल्थ एक्वायर करके भी एक कंट्री सेव कर सकता है इनकेस ऑफ ओपन इकोनॉमी वाई इन ए क्लोज इकोनॉमी कंट्री कैन सेव ओनली बाई बिल्डिंग अप इट्स कैपिटल स्टॉक सो यही दो क्वेश्चनस मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ नेक्स्ट डे आई विल बी सॉल्विंग मोर क्वेश्चन फ्रॉम डोमिनिक सल्वेट और ऐसे ही हम बेस बिल्डअप करते रहेंगे तो आसानी से डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें आएंगे ओके okay? So I hope you like this video and if you really enjoy then please hit the like button and subscribe to this channel.